गुड इवनिंग इंडिया। दोस्तों, हम अपने ख्वाबों को साकार करने के लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग के साथ में करियर का चुनाव करते हैं, पुरजोर मेहनत करते हैं और फिर कुछ हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही एक ख्वाब है सिविल सर्विसेज। आज ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हर माँ बाप और हर स्टूडेंट के मन में ये ख्वाहिश रहती ही है, क्यों ना सिविल सर्विसेज को एक बार अटेम्प्ट किया जाए। निश्चित तौर पर सिविल सर्विसेज एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और लाखों अभ्यर्थी इसमें अटेम्प्ट करते हैं। मेंस क्लियर करने के बाद में पर्सनलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग ही ये सौभाग्य पा पाते हैं कि हम देश की सेवा, जनता की सेवा कर सकें। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई एग्ज़ामिनेशन या सर्विसेज नहीं है। अगर आपके मन में लोगों को सर्व करने की भावना है तो आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों एंड में आप कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है। इस बड़े एग्जामिनेशन की इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर के सिद्धार्थ। प्रोफेसर के सिद्धार्थ, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अर्थ साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एक ही व्यक्ति में इतनी सारी खूबियाँ हैं। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि बाहर नज़दीकी जो देश हैं, मित्र देश हैं, उनके एडवाइजरी बॉडी में आप हैं और लगभग 42 किताबें आपने लिखी हैं और जैसा मैं गूगल पर देख रहा था, हज़ारों विद्यार्थियों की आपने मेंटरिंग की है। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मेरा भी उतना ही है कि दूरदर्शन ने हमें इस लायक समझा। जी दोस्तों, मैं सबसे ख़ास बात आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। जो साथी जो अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं है और रिलेवेंट है उनके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोग्राम को देखना, आप उन्हें ये सूचना ज़रूर शेयर करें। प्रोग्राम आप YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी देख सकते हैं। जैसा हमने सर शुरुआत में बात की थी, एक प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो जाहिर सी बात है जब लाखों विद्यार्थी इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से रखने के लिए लंबे समय तैयारी रखनी करनी होती है। इसकी प्रिपरेशन के बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, किस तरह की प्रिपरेशन, कितना समय सफिशेंट होता है तैयारी के लिए? सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, चूंकि आज का विषय पर्सनालिटी टेस्ट पर है, हम इंटरव्यू पर बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए वास्तविक में कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आप में देखा जा सके कि क्या आप में प्रशासनिक क्षमता है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि जब आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप तरह तरह के लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं, आप अपने परसेप्शन को बैलेंस कर पाते हैं, आप सभी चीज़ों को संतुलित रूप में देखते हैं, आप सीखते हैं तो ऑब्जर्वेशन के सहारे सीखते हैं, सारी आपकी पढ़ाई किताबों के सहारे नहीं होती है, और आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमेशा आप सॉल्यूशन की खोज करते रहते हैं, न कि प्रॉब्लम्स की खोज करते रहते हैं, आपकी थिंकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। अब इतनी सारी बातें कहीं पर सिखाई नहीं जाती हैं। इन बातों को ध्यान देने के लिए, इन बातों को आत्मसात करने के लिए, सीखने के लिए विद्यार्थी को सिर्फ समझना पड़ता है कि वो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, जिस प्रिपरेशन में किताबों का महत्व बिल्कुल ही नहीं है, और नहीं तो इसमें कोचिंग का महत्व है। इसमें अगर कोई महत्व है तो उसके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का महत्व है। वह अपने आप को जितनी बेहतर रूप से समझ पाएगा, अपनी कमियों को जितनी बेहतर रूप से समझ पाएगा, अपने कमियों के ऊपर जितनी आसानी से विजय कर पाएगा, वह उतना ही बेहतर वो प्रिपरेशन कर पाएगा। तो पहला स्टेप इसमें और एकमात्र स्टेप होता है अपने को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करके कि हर समय इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण वैसे ही मनुष्यों का गुण है, यह देवताओं में भी नहीं होता है। तो यह आत्मनिरीक्षण कि हमने क्या गलती की, हमें क्या सुधार करना है, इसके तहत है। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, नेगेटिव इन्वायरमेंट विद्यार्थियों को डेवस्टेट करके छोड़ देता है, चाहे तो कितनी भी तैयारी क्यों नहीं कर ले। तो उन्हें जो काम बचना चाहिए वह है कि नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचना चाहिए, नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए, और नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए। नेगेटिव थॉट का मतलब कि आपकी कोई थॉट कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, लेकिन दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, और असमाधान है तो कल समस्या भी आएगी। यही सोच आपको हमेशा आगे लेकर चलती है। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि न केवल टाइम मैनेजमेंट बल्कि आपका फोकस मैनेजमेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको जीवन में चाहिए क्या, अगर हम इस बात के आसपास कहीं आने में अपने आप को ठहराव कर पाते हैं तो
तो फिर आपको निश्चित तौर पर वो बात मिल ही जाती है। तो हम तीनों सबसे पहले बात हम करेंगे कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। टारगेट निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है, आप लाखों लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, सिर्फ अपने साथ ही कम्पीट नहीं कर रहे हैं, लाखों दूसरे लोगों के साथ कम्पीट भी कर रहे हैं। तो हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन तीनों स्टेट में व्यक्ति की खुद का और परिवार और मित्रों का किस तरह से इस यात्रा में कंट्रीब्यूशन या रोल होना चाहिए? सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे कि परिवार का क्या रोल हो सकता है। परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि यह एग्जामिनेशन कोई विद्यार्थी नहीं देता है, यह एग्जामिनेशन पूरा परिवार ही देता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा परिवार देता है, क्योंकि परिवार के कोई एक सदस्य या परिवार में कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें विद्यार्थी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसके बावजूद भी कि कुछ विद्यार्थी बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, बहुत विपरीत परिस्थितियों में तैयारी कर पाए हैं, इसके बावजूद तो परिवार ही पूरा एग्जामिनेशन देता है, नंबर एक। दूसरा, तो यह परिवार उनका निर्धारित करता है कि उनका मेंटल स्टेट किस रूप में होता है। अब मेंटल स्टेट का मतलब होता है कि अगर परिवार के सभी लोग विद्यार्थी को सलाह देना शुरू कर दें तो वो विद्यार्थी, अभी उसकी उम्र ही कितनी हुई है, 21, 20, 22 साल, तो वो कन्फ्यूज कर सकता है। विद्यार्थियों को हमेशा उसे सपोर्ट चाहिए, खुद को समझने के लिए, उसके क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं। सामान्यतः क्या करते हैं लोग परिवार में कि उसका क्रिटिसिज्म करना शुरू, उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक है और सब कुछ खराब होते हुए भी विद्यार्थी कर सकता है, क्योंकि कोई भी पर्सनैलिटी दो तरह के नहीं होते हैं और हर एक विद्यार्थी अपने आप में एक्सेप्शनल होता है, असाधारण होता है, अलौकिक होता है, अद्भुत होता है, और वह अपने तरीके से भी एग्जामिनेशन को ले सकता है। तो ये मेंटल स्टेट चली आती है कि उसे नेगेटिव पूरी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि उसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। अब अगर मान लेते हैं कोई ऐसे परिवार में है जहाँ पर हर समय लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, अब टीवी देखकर कोई बात कर रहा है कि देश में ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, तो इससे विद्यार्थियों के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भी उसी नेगेटिव फ्रेमवर्क में चले आते हैं। तो यह इसका मेंटल उसका रास्ता क्या निकलेगा, सुझाव क्या है, सॉल्यूशन क्या है? रास्ता है कि कोई समस्या वास्तविक रूप में किस देश में समस्या नहीं है, किस स्थान में समस्या नहीं है, किस समाज में समस्या नहीं है और किस व्यक्ति में समस्या नहीं है। हर समय आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट के तौर से दौड़ से लेकर जाते रहते हैं, और जब आप इम्प्रूवमेंट के दौर से लेकर जाते रहते हैं तो जाहिर है आपको सीखने में आता है, और हर एक कोई के सीखने का अपना एक तरीका होता है, वह तरीका ही आपका इमोशनल स्टेट डिटरमाइन करता है कि आपने सीखा किस तरह से। इसे आपने चुप होकर सीखा, लोगों से बातचीत करके सीखा, ठीक। तो इस अब लोगों से बातचीत करने का मतलब है कि आप जितने ही लोगों से बातचीत करेंगे, जितने ही अपने आप को खोलेंगे, जितने ही अधिक इंफॉर्मेशन को अपने पास में आने देंगे, आप उतनी ही अधिक मात्रा में सीखेंगे यहां पर, और यही सीखना सबसे अधिक कारगर हो पाता है। फिजिकल स्टेट का मतलब कि जाहिर है आपको कोई तकलीफ नहीं हो उस स्थान पर जब जाते हैं आप प्रिपरेशन के लिए, तो आपको कोई दर्द नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, क्योंकि अगर दर्द रहेगा तो विद्यार्थियों का सारा कंसंट्रेशन उस दर्द को मैनेज करने में चला जाता है। फिजिकली फिट रहना जरूरी है। और अगर खासकर मानते हैं लड़कियों को अपने पूरे फिजिक से कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अनकंफर्टेबल लगता है, लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो अगर ऐसा लगता है तो वो अपने उस पहलू को ठीक कर लें। आपको देखने पर अच्छे लगेंगे तो आपका खुद मन अच्छा लगेगा, आपका मन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। फिजिकल स्टेट का सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है इस पूरे पहलू पर। तो ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट होते हैं, और इसमें सबसे अधिक भूमिका आपके पूरे पीयर ग्रुप की होती है, और पीयर ग्रुप ही मतलब कि जो आपके सो कॉल्ड तथा कथित साथी होते हैं, जबकि वो कंप्यूटर्स हैं, वो आपको सबसे अधिक मात्रा में हार्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक तो समझ नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है, और वो तरह तरह की सलाह देते रहते हैं, और सलाह देते रहते हैं क्यों, क्योंकि उन्हें सलाह देने की आदत हो चुकी है, और विद्यार्थी अगर अमल करते हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि कितना नुकसान वो कर पाते हैं अपना। जी, जीवन में क्या चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, ये बात आप इस दिमाग से ही तय करते हैं, और इसके लिए मुझे लगता है योग से बेहतर कोई दूसरी विद्या नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने बुफे में अवेलेबल है। क्या चूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो हम कहते हैं सिक्स सेंस का डेवलपमेंट कहते हैं, या हमारे विवेक का विकास हम करने की बात कहते हैं, तो इस पर मैं चाहूँगा कुछ आप शेयर करें। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री खुद सुबह उठकर योग करते हैं, हमने योग गुरु रहे हैं, और हमने पूरे विश्व को इस बात को पुनः ये संदेश दिया है, और हम योग दिवस भी मनाते हैं, तो योग का भी एक बड़ा रोल हो सकता है इस पर, मैं कुछ चाहूँगा।